राजस्थान में वर्ष 2013 बदलाव की बयार लेकर आया था। प्रदेश के 7 करोड़ लोग राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव को लेकर उत्सुक थे। सशक्त नेतृत्व, सबको साथ लेकर विकास का सपना पूरा करने के लिए जनता श्रीमती वसुंधरा राजे की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही थी। ऐसे में श्रीमती वसुंधरा राजे ने प्रदेश की 36 की 36 कौमों के विकास के लिए 4 अप्रैल 2013 को उदयपुर संभाग से सुराज संकल्प यात्रा की शुरुआत की। उनकी ये यात्रा जहां से भी गुजरी वहां अपार जन समुदाय ने उनका दिल खोल कर स्वागत किया। लोगों ने मन ही मन उन्हें अपना भावी मुख्यमंत्री चुन लिया था। सुराज संकल्प यात्रा के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा जोर पकड़ रही थी। फेसबुक पर लोगों का जुड़ाव हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। इस यात्रा के दूसरे चरण की समाप्ति तक फेसबुक पर 1 लाख फॉलोअर्स जुड़ चुके थे। राजस्थान के चप्पे चप्पे में आम जन का स्नेह पाकर 14,000 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में गांव गांव, ढाणी ढाणी, छोटे कस्बों तक पहुंचकर श्रीमती वसुंधरा राजे ने भाजपा का शानदार प्रचार किया। इस दौरान श्रीमती वसुंधरा राजे के फेसबुक पेज पर 2003 से लेकर 2008 की उपलब्धियां, कोट्स, समाचार पत्रों में प्रकाशित तत्कालीन सरकार विरोधी समाचार, भाषण, हस्ताक्षर अभियान, आई बिलीव, डिड यू नो जैसे विभिन्न अभियान चलाए गए। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रजिस्टर टू वोट, कम आउट एंड वोट, एक नोट कमल पर वोट और भाजपा को वोट दें जैसे अभियान भी शामिल थे। जैसे जैसे श्रीमती वसुंधरा राजे धरातल पर प्रचार को परवान चढ़ा रही थी, वैसे वैसे सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। विधानसभा चुनाव के समय राज्य की जनता ने अपार स्नेह और विश्वास के साथ अभूतपूर्व बहुमत प्रदान कर श्रीमती वसुंधरा राजे को फिर से प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया। 13 दिसंबर 2013 को जनपथ पर राज्य के कोने कोने से अपार जनसमूह की उपस्थिति में श्रीमती राजे के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही जनता का प्यार और अद्भुत समर्थन उनके फेसबुक पेज पर भी दिखाई दिया, जहां फेसबुक परिवार 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुका था। जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जन सुनवाई के साथ ही राजस्थान संपर्क पोर्टल शुरू किया गया। जनता के अपार समर्थन से चुनी गई सरकार ने जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जानने के लिए एक अनोखा कदम उठाया। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास योजनाएं तैयार करने सहित जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रदेश के उन सुदूर इलाकों में भी गईं जहां अब तक कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा था। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी प्रदेश की जनता के भरपूर प्यार एवं सहयोग से मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे को मिशन 25 में भी 100% कामयाबी मिली। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से भामाशाह योजना को पुनः शुरू किया गया। राजस्थान में देश का पहला आजीविका कौशल विकास केंद्र और पहली जैतून रिफाइनरी आरंभ की गई। सिंगापुर और जापान यात्रा से विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए मॉडल और पार्टनरशिप की संभावनाओं का मार्ग भी खुला। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब लाल किले से स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की, तो राजस्थान में भी मुख्यमंत्री ने स्वच्छ राजस्थान स्वच्छ भारत अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। इसके सुखद परिणाम सामने आए और आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण में राजस्थान देश में प्रथम पायदान पर है। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई निवेश नीति तथा नई सौर नीति लागू की गई। आज राजस्थान सौर ऊर्जा के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रयासों से रेगिस्तान के जहाज ऊंट को राजकीय पशु घोषित किया गया और पहली बार प्रदेश में गौपालन विभाग का भी गठन हुआ। राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ 13 दिसंबर 2014 को जहां आम जन के बीच सरकार की लोकप्रियता प्रगति के शिखर पर पहुंच चुकी थी, वहीं लोकप्रिय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फेसबुक परिवार 33 लाख को पार कर चुका था। 2015 में राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार की शुरुआत की गई, जिसमें 16,000 शिविर आयोजित कर 21,43,000 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस वर्ष भी ये अभियान 9 मई से शुरू होकर 1 जुलाई तक चलेगा। नवंबर माह में आयोजित रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट में करीब 3,30,000 करोड़ के MOU किए गए। इनके धरातल पर आने से करीब 2.5 लाख लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।
युवाओं को रोजगार से जोड़ने तथा उनका कौशल विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में किए गए प्रयासों की वजह से ही आज राजस्थान कौशल विकास के क्षेत्र में एक बार फिर देश में प्रथम स्थान पर है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राजस्थान MSME पॉलिसी 2015 भी जारी की गई। प्रदेश में बुनकर और डिजाइनरों के हुनर को अंतरराष्ट्रीय पहचान देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्रामीण क्षेत्र में ब्रांडेड सामग्री सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अन्नपूर्णा भंडार योजना का शुभारंभ किया गया। प्रत्येक व्यक्ति का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ डेटाबेस तैयार करने के लिए आरोग्य राजस्थान अभियान भी शुरू किया गया। राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर 13 दिसंबर 2015 को जनपद पर आयोजित विकास संकल्प समारोह में करीब 9000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणाओं के साथ ही भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई। जल संकट के निवारण के लिए फोर वाटर कंसेप्ट पर आधारित मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का आगाज किया गया। इस अभियान से प्रदेश के भूजल स्तर में अभिवृद्धि होगी, जिससे सभी के लिए पेयजल आपूर्ति हो सकेगी। आगामी 3 वर्षों में करीब 15,000 गांवों को जल स्वावलंबी बनाया जाएगा। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए ग्लोबल प्रचार अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रदेश के सुदृढ़ विकास की नई राहें खोलते हुए विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया। सर्वसमावेशी बजट में राजस्थान को सशक्त, समृद्ध, स्वाभिमानी और खुशहाल बनाने के सपने को संजोया गया है। माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समय समय पर फेसबुक पर आ रही प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करने के साथ ही जनता से संवाद बनाए रखने का हर संभव प्रयास करती हैं। आज हमारा फेसबुक परिवार 50 लाख से ज्यादा नागरिकों के जुड़ने से और अधिक मजबूत हो गया है। आपके अभूतपूर्व स्नेह, मान एवं 50 लाख आशीर्वादों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जय जय राजस्थान।